हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विवेस। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्त। आज जो मेरा टॉपिक है वो बैंकिंग के स्टैटिक पोर्शन से है, जिसका नाम है बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। और जो टॉपिक हमारा है वो शार्क है। इसमें कितने कंट्री मेंबर होते हैं और कौन कौन से कंट्री होते हैं और उनका कैपिटल क्या होता है, उनका करेंसी कौन सा चलता है, हम इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ऐसे कई हैं, सार्क हुआ, संघाई हुआ, एशियन हुआ, ओपेक हुआ, बिम्स्टेक हुआ, ऐसे कई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें ये नहीं पता चल पाता कि दोस्तों ये कब क्या परफॉर्म होता है इसका और क्या कौन कौन से मेंबर कंट्री जो पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये हमें जरूरी है जानना दोस्तों। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे है आपको, यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, आप एक बार देख लें, उसके बाद में बताता हूँ कैसे क्या ट्रिक है और कैसे इसको लर्न करना होता है दोस्तों। और दोस्तों देखो, मेरा ट्रिक है ये है, साउथ सार्क है, जो सार्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन और फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें टोटल मेंबर कंट्री जो है, इसमें टोटल मेंबर कंट्री आते हैं 8, टोटल मेंबर कंट्री आते हैं 8। और मैं जब ट्रिक यूज करता हूं उसमें दोस्त, मैं ट्रिक जो यूज करता हूं उसका नाम है एमबीबीएस स्पेन है। इसका मतलब क्या हो सर, एमबीबीएस पेन है, मतलब ये हुआ इसमें 4 एमबीबीएस में है लेटर और 4 पेन में, तो टोटल मेंबर हुए 8, ठीक। और मेंबर बताने से पहले दोस्त हम आपको बता दूं इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, फाउंडेशन कब हुआ था सार का। सार का फाउंडेशन हुआ था दोस्त, इसका एस्टेब्लिश हुआ था, इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, ठीक, ये स्टेब्लिश हुआ था 1985 में। और इसका जो हेड क्वार्टर होता है सार का, वो नेपाल के काठमांडू में होता है दोस्त, ठीक। इसका हेडक्वार्टर यहां लिख देते हैं दोस्त, हेडक्वार्टर जो होता है इसका, एचक्यू से लिख देते हैं हेडक्वार्टर इसका दोस्त, इसका हेडक्वार्टर होता है काठमांडू के नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में काठमांडू के नेपाल में देख लिया दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में है और इसका स्टेब्लिश हुआ था 1985 में, आपको लिख लेना है ध्यान से। और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक। इसमें यम से क्या होता है, यम से होता है मालदीव और बी से होता है बांग्लादेश, एक बी और है वो होता है भूटान, एक यस है श्रीलंका, एक पी जो है पाकिस्तान और ए है जो अफगानिस्तान और आई जो है इंडिया है और एल जो है नेपाल। कितने हुए दोस्त, इसमें हुए 8 मेंबर जो एमबीबीएस स्पेन है। एम से क्या हुआ, मालदीव, बी से क्या हुआ बांग्लादेश और एक बी से क्या हुआ भूटान और यस से क्या हुआ श्रीलंका, पी से क्या हुआ पाकिस्तान और एक एफ ए है अफगानिस्तान, आई इंडिया और एन नेपाल, एमबीबीएस स्पेन है, हमें इजीली लर्न हो गया। और इसका जो देखो साथ साथ ही इसका कैपिटल भी हमें याद करनी है, साथ साथ कैपिटल याद कर लेंगे और फायदा होगा आपको। मालदीव का कैपिटल है माले, मालदीव का कैपिटल है माले और इसमें चलता है रुपी, माले में चलता है रुपी, जो कि हम एक कैपिटल और करेंसी का एक वीडियो हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा ट्रिक है कैपिटल और करेंसी के बारे में, उसके भी ट्रिक होता है कि किस किस देश में कौन सा करेंसी चलता है और क्या उसका कैपिटल है, ठीक है। तो हम यहाँ आपको बता देते हैं, बाकी आप नोट कर लेना।
मालदीव माले, बांग्लादेश ढाका इसका कैपिटल है। यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल, ठीक, कैपिटल कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल लिख दिया, जगह है नहीं दोस्त, ठीक है कैपिटल, ये है कैपिटल, ये है कंट्री, हम देते हैं कंट्री, ये है कंट्रीज, कंट्रीज वा माले, कैपिटल वा मालदीव माले, बांग्लादेश ढाका, भूटान थिम्पू, श्रीलंका श्री जयवर्धन पुरे कोटा कोलंबो भी बोलते हैं, और पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, इंडिया न्यूदिल्ली एंड नेपाल, नेपाल का लगे जानते हो काठमांडू, ठीक है। इसमें जो हमारा करेंसी चलता है, करेंसी जो चलता है हमारा माले रूपी, माले में रूपी चलता है, माले में क्या चलता है रूपी, ढाका टका, ढाका टका, ढाका में टका चलता है, थिंपू में भी रूपी चलता है दोस्तों, पर एक चीज थिंपू के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्त, जो थिंपू है वो 2000 का न्यू करेंसी हमारे जो इंडिया में आया है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको चेंज कराना पड़ता है दोस्त, ठीक। और श्रीलंका में भी रूपी चलता है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में भी रूपी, पाकिस्तान में भी रूपी चलता है, अफगानिस्तान में आपको बताना है दोस्तों अफगानिस्तान में क्या चलता है, और इंडिया में रूपी चलता है, नेपाल में भी रूपी चलता है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों, ये मेरा ट्रिक है दोस्तों, और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा दोस्तों आपके लिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, थैंक यू क्लास।